नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। छत्तीसगढ़ राज्य के कैबिनेट मंत्री अनिला भेड़िया के गृह नगर डोंडी लोहारा में नया बस स्टैंड में जिस साजो सज्जा के साथ पूर्व कलेक्टर जन्मेजय महुबे और जनप्रतिनिधियों के आतिथ्य में श्री धन्वंतरी दवा योजना का शुभारंभ किया गया और कैबिनेट मंत्री कलेक्टर के हाथों शुभारंभ होने की स्थिति में नया बस स्टैंड के व्यावसायिक परिसर को पूरी रंग रोगन किया गया। ज्ञात हो कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के द्वारा राज्य के नागरिकों को सस्ती जेनेरिक दवाइयां कराने हेतु 20 अक्टूबर 2021 को धन्वंतरी दवा योजना का शुभारंभ किया गया। इस योजना के माध्यम से राज्य के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को अब महंगी दवाइयां लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसके तहत इस दवा की दुकानों में जेनेरिक दवाइयां 50 से 71% तक कम दामों पर मिलेंगी। इन दवा दुकानों पर उपभोक्ताओं को दवाइयों की MRP पर न्यूनतम 50% और अधिकतम 71% छूट का लाभ मिलेगा और ये बस स्टैंड 117 ग्राम पंचायत मुख्यालय का केंद्र बिंदु जहां दूर दराज वनांचल क्षेत्रों की ग्रामीण जनता बस से अपने जगह पर पहुंचते हैं और यही वो जगह है जहां नगर और आसपास का सबसे बड़ा बाजार लगता है। पर इस परिसर के अंदर बदबू और गंदगी से लोग देखकर ही दूर भागते हैं। बाहर आवारा जानवरों और सुअरों की गंदगी और उनका जमावड़े से लोग हलाकान हैं। परिसर के अंदर इतनी गंदगी और बदबू भरी है जो सफाई पर आज तक ध्यान नहीं दिया जाता है और शाम होते ही इस परिसर पर असामाजिक तत्वों का जमघट लग जाता है। इस परिसर के चारों ओर गंदगी ही गंदगी है कि लोग वहां खड़े होने की हिम्मत भी नहीं करते। और राज्य के मुख्यमंत्री और कैबिनेट मंत्री का फ्लैक्स को धन्वंतरी मेडिकल के सामने नीचे रखा गया है जहाँ लोग पान गुटखा खाकर उस पर थूक रहे हैं। जेनेरिक मेडिकल को अंदर साजो सज्जा के साथ दवाइयों को सजाया गया है। पर छत्तीसगढ़ राज्य के कैबिनेट मंत्री के गृह नगर में इस धन्वंतरी जेनेरिक दवा दुकान की इतनी बदतर स्थिति है, आप सहज अंदाजा लगा सकते हैं।